अस्सलाम वालेकुम, यम्मी कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार रेशे वाले शामी कबाब। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो जो है बीफ का गोश्त लिया है। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से जो है कट कर लिया है। और यहाँ पे हमने एक कप जो है चने की दाल ली है। यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है हमारे पास। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 2 से 3 अदद हमने यहाँ पे लौंग ली है, 1 अदद जो है हमने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है और यहाँ पर हमारे पास से 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। और यहाँ पर हमने 2 अदद प्याज लिए मीडियम साइज़ की, इनको हमने चॉप कर लिया। और यहाँ पर हमने लिया है हरा धनिया लिया हमने यहाँ पर 1 टीस्पून और पुदीना लिया हमने यहाँ पर 1 टीस्पून, इनको हमने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे हमने 7 से 8 अदद जो है हरी मिर्चें ली हैं और नमक लेंगे हम हसबे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद ये जो सब हमारे पास गरम मसाले ये सब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसी के साथ साथ हम ये हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर चने की दाल ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1/2 जो है प्याज ऐड करेंगे और 1/2 रख देंगे, 1/2 ऐड करेंगे हम इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे और अब जो है हम इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करेंगे। और इनको मिक्स कर लेंगे हम। तो अब जो है हम इसे 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारा बीफ का गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए 1 घंटे तक जो है हमने इसे अच्छे से जो है पका लिया था। गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है, आप देख सकते हैं पानी भी जो है खुश्क हो चुका है। इन्हें जो अब हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने जो इसे पीस लिया है। अब जो हम इसके अंदर हरी मिर्चें, प्याज और पुदीना ऐड करेंगे और हरा धनिया। अब हम मिक्स कर लेंगे। ये टिकिया रेडी करेंगे। तो ये देखिए रेडी है। इसी तरीके से दूसरी भी रेडी करेंगे। तो ये देखिए ये भी रेडी है। इसी तरीके से अब हम सब रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने रेडी कर लिया। यहाँ पे हमने 1 अदद जो अंडा लिया है, इसके अंदर 1 चुटकी हमने नमक डाला और इसको फेंट लिया है। अब हम इसको डिप करेंगे। और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो ये देखिए फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए अब जो है हम इनकी साइड चेंज करेंगे। हमने जो इनकी साइड चेंज कर ली है, जब ये साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। क्योंकि ये रेडी हो गए हैं, इन्हें जब हम निकाल लेंगे।
ये देखिए हमारे मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें, ये देखें, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।